किसी भी सैमसंग एम सीरीज़ में अलार्म कैसे लगाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में अलार्म कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सेट करना है अलार्म तो इस वीडियो को आप जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको शो करके बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस अलार्म कैसे सेट किया जाते हैं, अलार्म के जो रिंगटोन से उसको कैसे चेंज किया जा सकते हैं और सब कुछ। ठीक है, अलार्म के रिलेटेड में वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके जो क्लॉक है दोस्तों, इसमें क्लिक कीजिएगा। तो ये आ गया दोस्तों आपका टाइमिंग, और यहाँ नीचे पे है आपका अलार्म ऑप्शन, तो वहाँ पे क्लिक करें एंड देन ये सारे आपका अलार्म से। तो मैं इसको पहले तो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे दोस्तों अलार्म कैसे सेट करना है। सेट करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको ऊपर प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सेट है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। प्लस में क्लिक करना है, उसके बाद आपको टाइमिंग सेट करना है 7 बजे 8 बजे जितना आप चाहें। ठीक है, जब आपको यहाँ पे जागना है आप उस टाइम को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आपको मिलेगा शेड्यूल, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर आपको पूरा वीक जो है अलार्म की ज़रूरत है तो आप सारे वीक्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई वीक आपका ऑफ है, ठीक है, जैसे कि ट्यूसडे को ऑफ है, वेडनेसडे को ऑफ है, और थर्सडे को आपको चाहिए, फ्राइडे को चाहिए एंड एंड बाकी ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके का किसी का शेड्यूल होते हैं, तो अगर आपका यहाँ पे इस तरीके का कुछ शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है, तो आप सिंपली दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा आपका वीकडेज। वीकडेज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से दोस्तों आपका अलार्म बजेगा। आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार सेट कर दीजिएगा पूरा वीक के लिए, आपका ऐसा ही रहेगा। उसके बाद नीचे पर आपको मिलेगा अलार्म साउंड, उसके बाद मिलेगा आपको वाइब्रेशंस एंड एन स्नूज ऑप्शन, और उसके बाद सेव कर देना है। सेव करते ही आपका अलार्म सेट। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है। ये सारे जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है MTWTF, यानी कि इसमें जो है अलार्म सेट किया हुआ है। ठीक है, अभी नीचे वाला में आप देख सकते हैं यहाँ पे M पे ब्लू है, TW पे ब्लू नहीं है, और TF में ब्लू है, और SS में नहीं है, यानी कि सभी ब्लू में जो है आपका अलार्म बजेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अलार्म सेट करना है तो ये सेटिंग को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।